please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में शराब की दुकानों में कमी लाने का दावा किया। शिवराज ने भोपाल में कॉफी विद सीएम नाम से एक सवाल जवाब का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में जब कुछ छात्राओं ने नशाबंदी पर सवाल उनसे पूछा तो शिवराज ने कहा कि अचानक नशाबंदी से अवैध शराब का गोरखधंधा बढ़ जाता है, लेकिन वो राज्य में शराब की दुकानों के लाइसेंस कम करने की कोशिश करेंगे। कोई नई दारू की दुकान मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलेगी। चार साल में कोई नई दुकान हमने नहीं खुलने दी। ये हर एक प्रदेश में होता है, हर साल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 300-400 नई शराब की दुकानें खोल दी जाती है। उल्टे पिछले साल 64 दुकानें हमने बंद की, इस साल और दुकानें हम बंद कर रहे हैं जो गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल, स्कूल, मंदिर इसके आसपास होती है। मैं सचमुच में नशे का घोर विरोधी हूँ, लेकिन एक साथ नशाबंदी करने पे जो हमारे अनुभव है, सचमुच में नशाबंदी व्यवहारिक रूप से नहीं होती। अवैध शराब का कारोबार अगल बगल से इतना बढ़ता है तो एक नए माफिया को जन्म देता है। और ये रणनीति हमारी ये है कि धीरे धीरे करके नशे के खिलाफ एक अवेयरनेस हम पैदा करें पूरे समाज में। अगर शराब छोड़ेंगे लोग तो दुकानें अपने आप कम होती चली जाएगी, लेकिन तब तक योजनाबद्ध ढंग से उन दुकानों को कम करते हुए चले जाना है। रोजगार के आंकड़े तैयार करने के लिए सरकार नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। खबर है कि पकोड़ा विवाद के बीच सरकार रोजगार के आंकड़ों को तैयार करने के लिए एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिसमें टैक्सी और ऑटो ड्राइवर और प्लम्बर्स को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। नागालैंड और मेघालय में 59-59 सीटों के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के झुंझुनू में मुस्लिम महिलाओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार से 3 तलाक बिल को वापस लेने की मांग की। मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने मुंबई के दादर और परेल समेत देश भर के 19 रेलवे स्टेशनों का डिजाइन मुफ्त में तैयार करने की पेशकश की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए डोडा, पुंछ और राजौरी में भी ऐसी सुविधा शुरू करने का ऐलान किया। HMDA यानी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर के पुरुषोत्तम रेड्डी के घर पर ACB की छापेमारी में 50 लाख के जेवरात और 20 लाख की साड़ियां बरामद की गई। पंजाब के बटाला में एक लावारिस कार के अंदर महिला के कपड़े मिलने के मामले की जांच कर रही पुलिस को CCTV फुटेज मिली, जिसमें 4 लोग गाड़ी छोड़कर जाते हुए दिखे। हरियाणा के फतेहाबाद में मामूली विवाद के बाद रोडवेज के एक बस ड्राइवर पर रॉड से हमला करने का वीडियो सामने आया। यूपी के महाराजगंज में बालू खनन माफिया पर कार्रवाई के दौरान SDM RB सिंह को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। स्पेन में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सैमसंग ने गैलेक्सी S9 और S9 प्लस 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए। राजस्थान के जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं से संचालित होने वाला देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन बन गया। इसी बीच भवानी सिंह बड़ी खबर दे रहे हैं। राजस्थान के चुरू में 27 मोरों की मौत के मामले के तूल पकड़ने के बाद माना यह जा रहा है कि पीने के पानी की कमी की वजह से इन मोरों की मौत हुई। राजपुरा गांव में पिछले दिनों 27 मोरों की मौत हो गई थी, जबकि 8 मोरों का इलाज जारी है। वन विभाग और पशुपालन विभाग ने मोरों को खिलाए गए जो दाने हैं उनके सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए हैं। और इस बीच डॉक्टरों का मानना यह भी है कि मोरों की मौत प्यास की वजह से हुई है। ये कोई रोग है इस तरह का जो चारों तरफ फैला हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, या दूसरा पानी की वजह से भी हो सकता है कि जानवर ने दाना खाया है और पानी नहीं मिला है, उसकी वजह से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। मौत का कारण एक्चुअली तो जो मरे हैं सुबह पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद एक्चुअली चीज़ का पता चलेगा। बाकी मेरी संभावना ऐसी है कि यहाँ पे जो दाना बिखरा हुआ है वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल ही, तो पानी की वजह से भी मौत हो सकती है। बाकी अन्यथा कोई चीज़ मैं नहीं बता सकता, वो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो बताएंगे वही एक्चुअली पानी जाए। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत पर फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रख लिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व CM BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक मंदिर में पूजा की। झारखंड के पलामू में पुलिस और CRPF की साझा कार्रवाई में 4 नक्सली मारे गए, जिनमें 5 लाख का इनामी नक्सल विमल यादव भी शामिल है।
विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक के सहयोगी और कोच्ची के पास इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर एमएम अकबर को हैदराबाद एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम के निधन पर राष्ट्रपति समेत कई हस्तियों ने शोक जताया। यूपी के नोएडा सेक्टर 49 में एक कारोबारी से लूटपाट और गोली मारने की वारदात के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। टीवी अभिनेत्री शिखा सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में हुए एक कार्यक्रम के बाद रुपए देने में आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए थाने पुलिस में आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस ने करीब 90 एकड़ में फैली अफीम की फसल नष्ट की, जिसकी कीमत 9 करोड़ बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन अधिकारियों ने अवैध तरीके से तेंदुए की खाल ले जा रहे भूटान के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया।